सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकलती हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुन्दर कितनी दूर है। खूबी व खामी दोनों ही होती है लोगों में, आप किसकी तलाश करते हो ये महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्ण। आज का पंचांग 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि, रात्रि 8:05 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र सुबह 10:56 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। आप सभी को कामदा एकादशी की शुभकामनाएं। कुंभ राशि 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार, आपके कार्यों में गति आ जा सकती है और आप अपने बच्चों के साथ उचित सहयोग प्रदान कर रहे हैं और अपने बच्चों को उचित सहयोग प्रदान कर रहे हैं। एक सुखद और संतुलित घर का माहौल हमेशा के लिए खास होता है। आपका योगदान राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण है, जो समाज के विकास में सहायक हो सकता है। यह सब आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए सकारात्मक और उत्साहजनक है। आप दुविधा से छुटकारा पा रहे हैं और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयासरत रहना बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना आपके लक्ष्य की दिशा में मदद करेगा। आपके करियर के बारे में सुनकर भी खुशी हो रही है। यह एक बड़ा मौका है और आपके करियर को आगे बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर हो सकता है। विदेश में काम का मौका आपको नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है और आपकी करियर गति को तेजी से बढ़ा सकता है। इस अवसर को ध्यान से धारण करें और इसे बेहतरीन तरीके से उपयोग करने का प्रयास करें। आप अब अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को समझने के लिए शांति और समझदारी का मौका देख रहे हैं। यह आपको समस्याओं का सही समाधान ढूंढने में मदद कर सकता है और संबंधों को सुधारने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस समय को सुलझाना और समर्थन के लिए उपयोग करना चाहिए। संवाद और समझौते की स्थिति के लिए अच्छा है और यह आपके और आपकी संबंधों के लिए एक सकारात्मक परिणाम ला सकता है। सुखद माहौल बनाने का अवसर हमेशा ही इसने समझदारी और समर्थन के माध्यम से होता है। आपका इस समय का उपयोग सुख और संबंधों में सुधारने के लिए उपयुक्त हो सकता है। यह सच है कि घर की सुख शांति के लिए सही संवाद की आवश्यकता होती है। अगर किसी विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है तो इसे उठाने से संवेदनशीलता और सहयोग का आदान प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। घर में संबंधों को मजबूत और समर्थन बनाए रखने के लिए खुले और संवेदनशील संवाद का महत्व होता है। घर के वातावरण को संतुलित और समृद्ध पूर्ण बनाए रखने के लिए यह सही दिशा हो सकती है। घर के प्रेम से भरे माहौल में हर किसी को खुश और समृद्ध महसूस होता है। सफलता के लिए सही मार्ग पर होना और सकारात्मक मनोवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके इस सकारात्मक दृष्टि और सहानुभूति से आप निश्चित रूप से अपने चाहने वालों के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे और सही मार्ग पर अग्रसर होंगे। धैर्य और संज्ञा से हर कठिनाई को आप पार कर सकते हैं। बच्चों के साथ बिताया गया समय आपके और उनके बीच अद्वितीय और अनमोल अनुभवों को बढ़ावा देगा और यह आपके दिल को शांति और संतोष से भर देगा। बच्चों के साथ समय बिताने से आपकी भावनात्मक और आत्मिक ऊर्जा को भी नई ताजगी मिलती है। धन की बचत भी महत्वपूर्ण है और इसे सावधानी से करना चाहिए। आज के दौर में आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता का
महत्व बढ़ सकता है। धन की अच्छी प्रबंधन और बचत से आप आने वाले कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार होंगे। यह समय दोस्तों और प्रेमी के साथ अच्छे और साथीपूर्ण रिश्तों का यह समय दोस्तों और प्रेमी के लिए अच्छा समय हो सकता है। रिश्तों का आनंद लेने का दिन है, लेकिन अपने स्वार्थ को भी महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखना जरूरी है। जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव करना दुखद हो सकता है, लेकिन यह भी एक अवसर है अपने अन्य संबंधों को महत्व देने का। आपके द्वारा अपने खाली समय में किए जाने वाले काम आपको स्वानुभूति और संघर्ष की भावना से मुक्ति दिला सकता है। यह आपको नई और सकारात्मक दिशा में ले जाने का एक मौका हो सकता है। इस अवसर का समय प्राप्त करने के लिए धैर्य और संवेदनशीलता से काम लें। सावधानियां। आज आपको अपने निजी कामों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आलस और उपेक्षा कार्यकर्ता में कमी ला सकता है। ध्यान दें कि आपके कार्यभार का बोझ बढ़ सकता है और आपको अपने कामों को सही समय पर पूरा करने की जरूरत है। आपके अपने कामों को समय में पूरा करने के लिए समझदारी और सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। अन्य लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें, ताकि आपका ध्यान अपने कार्य पर बना रहे। बात करते हैं लव लाइफ की। यह सही समय है कि हर व्यक्ति के साथ समय बिताना एक अच्छा अनुभव हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति आपके लिए जीवन साथी के रूप में सही होगा। प्यार और संबंधों को बिना सोचे समझे शुरू न करें और पहली नजर में ही फैसला ना लें। जीवन साथी का चयन करते समय धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक निर्णय लें। उनके साथ समय बिताने के दौरान उनके स्वभाव, मूल्य और संबंधों में दृढ़ता की जांच करें। विचार करें कि क्या आपकी सोच और मूल्यों में अंतर है और विवाह के बारे में उनकी सोच क्या है। इसके अलावा भविष्य में उनके साथ कैसे जीवन बिताने की संभावना है, इस पर भी विचार करें। अगर किसी को आपकी देखभाल की आवश्यकता है तो इसे विनम्रता और संवेदनशीलता से प्रदान करें। फुल ऑन पार्टी मूड में होना अच्छा है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप अपने साथियों की भावनाओं को समझ रहे हैं और उनके साथ सहयोग कर रहे हैं अगर कोई पिछले रिश्ते में कोई अच्छा अनुभव नहीं रहा है तो उसे पीछे छोड़ देने का समय है। जीवन में आगे बढ़े और उन बुरी यादों को छोड़ दे जो आपको पीछे खींच रही है। बात करते हैं करियर की। आपके आज के दिन का व्यवहार यादगार होगा, जिससे आपको लाभ हो सके। लोगों के साथ सकारात्मक बातचीत करें और उनसे मिलें। अपने शरीर की भाषा को सकारात्मक बनाएं और एक नई परियोजना शुरू करने के लिए उत्साहित रहें। यह आपके लिए एक अच्छा दिन हो सकता है, जहां आप अपने संगठन कौशल को उपयोग करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अप्रत्याशित लाभ की संभावना भी है, इसीलिए ध्यान रखें और यह अवसर ठीक से उपयोग करें। व्यवसाय में व्यवस्था सुचारू रहेगी और कर्मचारियों के बीच सामंजस्य बना रहेगा, जिससे कार्यकर्ता एवं कार्यस्थल की स्थिति सुधरेगी। रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास करें, ताकि यह आपके लिए भविष्य में लाभकारी साबित हो। नौकरी में नए परियोजनाओं का आरंभ होने जा रहा है, इसलिए तैयार रहें और इनमें अपनी योग्यता और संकल्प लगाएं। बात करती हैं सेहत की। आपका सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट करने से पहले आपको यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या आपके लिए वास्तव में यह कार्यक्रम या डाइट जरूरी है। कई बार हम दूसरों से प्रेरणा या अपेक्षाओं के अनुसार काम करने का गलती करते हैं, जो आपके लिए वास्तव में नुकसानदायक साबित हो सकता है। आज अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय। आज आप गरीबों को सफेद खाद्य पदार्थों का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।